नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। एनआरसी और एनपीआर को लेकर लगातार बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान जारी है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 15 मई से एनआरपी बिहार में लागू करने का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान के बाद जेडीयू बीजेपी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। मोदी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं, इसलिए उनका ऐलान बहुत मायने रखता है, लेकिन जेडीयू के नेता उनके इस ऐलान की खिली उड़ा रहे हैं। श्याम रजक ने सबसे पहले खिली उड़ाई और कहा कि किस कैबिनेट में फैसला हुआ, और ये अगर फैसला हुआ है तो नीतीश कुमार को खुद ऐलान करना चाहिए था। सुशील कुमार मोदी किस हैसियत से ये ऐलान कर रहे हैं? इसके बाद पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे इस मामले पर सफाई मांगी है। पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से कहा है कि जो एनपीआर है, एनसीआर है, ये देश को विभाजित करने वाला है, धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाला है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और इसका विरोध करना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आकर सामने स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि एनआरसी और दूसरे मुद्दों पर, एनआरपी पर क्या उनका रुख है, क्या उनका स्टैंड है। तो जेडीयू के अंदर ही ज़्यादा घमासान शुरू हो गया है क्योंकि बीजेपी के नेता हैं सुशील कुमार मोदी, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 15 मई से शुरू हो जाएगा एनआरपी का काम, लेकिन अब जेडीयू में भी घमासान शुरू हो चुका है। श्याम रजक ने खिली उड़ाई तो पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से सवाल कर दिया है। वैसे पवन वर्मा लगातार इस बात को लेकर पार्टी से अलग राय रखते रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार वो अपने स्टैंड पर कायम हैं और एनआरसी और एमआरपी का विरोध कर रहे हैं, एनआरपी का, तो उससे लगता है कि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ सकता है और पवन वर्मा के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार से सफाई मांगनी शुरू कर दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से कहा है कि प्रशांत किशोर का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उस पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें। यानी बीजेपी को डर लग रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने खूब हमले किए प्रशांत किशोर पर, लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई सफाई नहीं दी गई है। तो बीजेपी के नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार का ही ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है। तो अब गोपाल नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर के सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सफाई मांगने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पवन वर्मा जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग कर दी है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष से ज़्यादा सवाल जवाब उनके ही लोग उनसे कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा संकट है। हालांकि अभी तक उन्होंने एनआरपी पर कुछ बोला नहीं है, क्योंकि एनआरसी को तो रिजेक्ट कर चुके हैं कि बिहार में लागू नहीं करेंगे, लेकिन एनआरपी पर उन्होंने बोला नहीं है। तो अब उनका क्या स्टैंड होगा? वो अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर उनके साथ ही सुर में सुर मिलाकर एनआरपी का विरोध कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुशील मोदी ने बगैर नीतीश कुमार को भरोसे में लिए ऐसा ऐलान कर दिया होगा कि 15 मई से एनआरपी बिहार में लागू हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। जैसे ही मिलेगा सिटी पोस्ट आपके सामने लेकर आएगा। आपको जो सवाल उठ रहा है, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए। उन सवालों का जवाब हम इन नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।